तेरे से 20 बच्चे जिनमें अच्छे हैं, तुम्हें गेम खराब कर रहे, मेरा चैंपियन था वो खराब हो जाएगा ऐसे। मुझे गुस्सा आता तेरी वीडियो देख के, पहले दिन ही डांट खा ली मैंने, वर्कआउट कर नहीं रहा था मैं। सो गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, और आई होप सब बढ़िया हो। और आज फाइनली दिल्ली में जिम खुल गए हैं और मेरा जिम भी खुल गया। आज हम जाएंगे अपने जिम और प्रेप भी करने स्टार्ट, तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि प्रेप का। और घर पे भी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है जिम का, वो भी वापस दे के आना है, उसे भी करते हैं, उसका भी ठिकाने पर लगाते हैं। और वुल्फ की मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है, देखना चप्पल छोड़ थोड़ी से बना। तो आज गुरु जी से जाके भी पूछेंगे प्रेप, क्योंकि दिसंबर में कंपटीशन है, वो शायद से खेलेंगे हम, तो अभी आज से प्रेप स्टार्ट हो जाएगी मेरी, तो वो तो जाके पता चलेगा। और आज मेरा ब्रेकफास्ट आज थोड़ा डिफरेंट है, आज हम ले रहे हैं 2 केले, पीनट बटर और राइस केक, अंग्रेजी होने वाला है हमारा ब्रेकफास्ट आज। और मॉम फुल योगा कर रही है सुबह सुबह, जिनका कुछ इसका जिसको मैं 4 साल से देख रहा हूँ वो योगा। मेरा गुरुजी वेट कम नहीं करवा सके तो क्या चीज है योगा, क्या चीज है। और फुल योगा पे ध्यान देते हुए फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा मोम का, होगा योगा से ही होगा। अरे रस हो गए, कितना शरीफ है। मेरा जो पेट कम कराएगा उसको 10,000 इनाम। आपके पेट पे मैं से नहीं हुआ और उसे कैसे हुआ पेट कम आपका। तो अभी जल्दी से मैं डाइट लेता हूँ, डाइट लेने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। सो भाई राइस केक और पीनट बटर मैं यूज़ कर रहा हूँ पिंटोला का, और पिंटोला का मैं यूज़ कर रहा हूँ आज ऑर्गेनिक पीनट बटर, लास्ट टाइम दूसरा किया था। पिंटोला का ऑर्गेनिक पीनट बटर बना गया है बेस्ट क्वालिटी ऑर्गेनिक पीनट से, ना ही इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजेनेटेड ऑयल या प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलेंगे आपको। एंड इस प्रोडक्ट का बेस्ट पार्ट ये है कि ना ही इसके अंदर कोई एडिड शुगर है, ना ही कोई एडिड सॉल्ट है, ऑल नेचुरल, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, आप ट्राई करके देखना। जो पिंटोला के फार्म्स है वो भी ऑर्गेनिक फार्म है एंड सर्टिफाइड है विद हाईएस्ट ग्रेड फ्रॉम USDA ऑर्गेनिक, SGS ऑर्गेनिक, इंडियन ऑर्गेनिक एंड जैविक भारत। ये पीनट बटर आपका वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, और पर स्कूप आपको मिलेगा इसके अंदर 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 9 ग्राम ऑफ फाइबर। एंड जो लोग भी ऑर्गेनिक हेल्दी पीनट बटर ढूंढ रहे हैं उनके लिए बेस्ट पीनट बटर है। और ये 2 वेरिएंट में आता है, एक क्रंची और एक क्रीमी, मेरा फेवरेट तो क्रीमी है। एंड लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इजीली बाय कर सकते हो। मम्मी के आने से पहले हटाना पड़े का, मेरी कोई गलती नहीं है, ट्राईपोड से लग के गिर गया, तो मैं लेट भी हो रहा हूँ। क्या हो गया सुबह सुबह, नहीं गिलास टूटना तो शुभ होता है ना, पेडिग्री के पैकेट में पैक करते, पता भी नहीं चलेगा किसी को। हाँ कौन है, क्या हुआ? अरे वो एक डब्बा था, ले लो डब्बा उब्बा, हो गया अब तो, हो गया बना ली मैंने तो बेटी। गाइस डाइट ले ली है, अब जल्दी से रेडी होके मिलता हूँ आप लोगों को। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सॉक्स ओए 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 भाई दे दे यार, जाना है मेरे को, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसको सॉक्स से, यानी क्या पसंद आती है तुझे। अरे 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 अब नहीं होगा, अबे ओ पहनने दे। सो गाइस ड्राई क्लीन हो चुकी है फेस की और नहाएंगे हम आज, अभी कौन नहाएगा सुबह सुबह। बैग हो गया हमारा रेडी, बैग से भारी तो बेल्ट है। बाय 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 बाय, ठीक है बाय। अब ये सारा सामान भी लेके जाना है, इसमें की डंबल और प्लेट्स, और ये जो नई नई चमक रही है ये पिछले लॉकडाउन में खरीदी थी, तो ये लेके जानी। वो हम कह रही है 5 का डंबल छोड़ दिए, और मेरे को पता थोड़े दिन बाद उन्हें जिम ही आना है, उनको नया नया जोश होता है, मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं यहीं करूँगी, अभी थोड़े दिन बाद आएंगे। So guys, हमने प्लेट रख ली है, मतलब प्लेट नहीं रखी, सॉरी डंबल रख लिए हैं, प्लेट रखने के लिए जान बची नहीं है क्योंकि 25-25 की प्लेट है, डंबल तो 15-20 वाले और 10 वाले ही थे, वो रख लिए हैं और हम निकलते हैं, चलो चले। So guys, 6 महीने हो चुके हैं मेरे को कि कोई भी प्रेप स्टार्ट करे हुए, मतलब 6 महीने से मेरा ऑफ सीजन चल रहा है,
अब फाइनली लगता है कि आज से प्रेप स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा फोकस है राउंड मसल का, क्योंकि मेंस फिजिक में अब साइज को ज्यादा देखने लग गए हैं, तो इसलिए हमें साइज पे काम करना है। तो राउंड मसल चाहिए हमें, और वेस्ट तो मैंने कंट्रोल कर ही रखी थी अपने ऑफ सीजन में। मास्क लगा लेता हूँ, यहाँ तो एक चलान और कट जाएगा, सुबह से कांच टूट गया, कभी एक और चलान ना कट। मास्क चलान क्या तमीन नहीं है, मतलब कि हाँ कोरोना चल रहा है, मास्क लगा। तो मैं कह रहा था कि 6 महीने से अभी कोई भी प्रेप स्टार्ट नहीं कर रखा था मैंने, मतलब बिल्कुल ऑफ चल रहा था। लोगों को लग रहा था क्योंकि सेटेड रहता हूँ मैं पूरे साल, तो लोगों को लगता है कि प्रेप में ही है अभी भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रेप में अब आएंगे हम, अब लाएंगे साइज, क्योंकि लास्ट टाइम मैं पेपर स्किन लेके गया था, लेकिन साइज की वजह से मैं थोड़ा मार खा गया हूँ। तो साइज पे हमें काम करना है, मतलब ये जो भी सीजन चलेगा गेनिंग वाला, जो भी प्रेप स्टार्ट होगी गेनिंग वाली, उस पर काम करना है। यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है कि कॉम्पिटिशन खेलना है, कॉम्पिटिशन जीतना है हमारे यहाँ पे। पिछली बार तो मैं दिखा नहीं पाया था यूट्यूब फैमिली को, क्योंकि उस टाइम पे ब्लॉगिंग नहीं करता था। इस बार आपको सब कुछ दिखेगा यूट्यूब वीडियो पे, प्रेप का डाइट वाइट कैसे कट करते हैं, मतलब बहुत लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा, सिंपल सिंपल। साइंटिफिक तो आपने पहले ही सुन लिया होगा इतने लोगों से, क्योंकि यूट्यूब पे पहले बहुत ज्ञान है। बच्चा बच्चा बच्चे हमारे पास है और नहीं है मेरा भाई भाई और है ही नहीं मेरे पास। सबको मिल गया। एंड गाइस मैं अपनी आज करंट कंडीशन में दिखाऊंगा आपको, तो बताना कमेंट सेक्शन में कैसी है बॉडी अभी, जब अभी स्टार्ट भी नहीं किया हमने गेनिंग फेस, तो बताना ये जो बिल्कुल ही ऑफ सीजन चल रहा है उसमें कैसी चल रही है हमारी, क्योंकि ऑफ सीजन में भी जिसने काम कर लिया ना, तो फिर वो ऑन सीजन में आग लगा देगा। मैं लॉकडाउन के बाद एक जिम में गया था, मतलब जब जिम नहीं खुले थे छुप छुप के, लेकिन वहाँ वो मज़ा ही नहीं आया, इसलिए मैं एक ही दिन गया वहाँ पे। जो अपने जिम में मज़ा आता है, और मेरा जिम तो ओल्ड स्कूल टाइप का है, बिल्कुल रॉ वेट और रॉ सब कुछ, तो वो जो फील है वो कहीं और आती ही नहीं है। जो लोहे का मज़ा है वो रबड़ की प्लेटों में नहीं है। गुरुजी से मिलना है और वो लोगों से भी मिलते हैं बहुत दिनों बाद, और पता नहीं कब थर्ड लेयर आ जाए और कभी सारे जिम बंद हो जाए। जब जल्दी से बॉडी बना लो। और अभिषेक भाई, अरे आज सही हो तुम? अभिषेक भाई हमारे सुपर स्टार। अरे वालू कमजोर हो रहा है, हमारी भी स्टार्ट करा दे कटिंग। तेरी चली रही है कटिंग भी, तो पहले ही तैयार रहता है मेरा। ऑफ सीजन चल रहा है हमारा, 6 महीने हो गए। तो बहुत लोग आए होंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं आए, लेकिन ये है कि आना स्टार्ट कर दिया है काफ़ी दूर की। अलग अलग सा लग रहा है जिम आज, बहुत दिनों बाद देख रहे हैं ना। आज क्या करेगा बिल्कुल, आज मैं लगाऊंगा शोल्डर। बात तू मत बोल, तू मैं मेरे को बोल ले। तुम्हारी शादी होगी? कौन सी शादी, कैसी शादी? ये है सीक्रेट प्री वर्कआउट। मैं जितना तगड़ा होना, मैं इतना बड़ा डोला चाहिए, फिर मैं क्लासिक में खेलने लगा। इसकी जितनी थाई खाई चाहिए मेरे को, ये बड़ी बड़ी थाई लेके बैठा है। ऐप दिखा दे लोग, कटिंग चल रही है, मुड़ के दिखाना है यार सही से। हम भी करेंगे प्रेप स्टार्ट। करो फिर मैं स्टार्ट। हाँ स्टार्ट करो भाई, तू वीडियो बनाने का रह गया, पर स्टार्ट नहीं बनेगा। ये तो ऐसे ही बना ना, तू प्लेयर नहीं रहा मेरी नज़र में। मैं तो स्टार्ट आज बना रहा हूँ। ये वीडियो कहीं काम नहीं आने के लिए, जितने मर्जी पैसे बटोर ले, काम तेरा गेम नहीं आएगा। मैं बस ये गेम पे तेरा ध्यान है नहीं, मैं तेरे सारे व्यूअर्स को बोल रहा हूँ। अब तू पहले 500 एथलीट में भी डिजर्व नहीं करता, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ तेरे बारे। तेरे से 20 बच्चे जिम में अच्छे हैं, ये अपने तुम्हें दिखाना है व्यूअर्स को। तुमने गेम खराब करा, मेरा चैंपियन था वो खराब हो जाएगा ऐसे। जिम में 20 बच्चे तेरे से अच्छे आज के दिन, ये जो मैं बोल रहा हूँ अपने व्यूअर्स को दिखा दूँ चीज़, नहीं तो और भी लोग भटकेंगे ऐसे। मुझे गुस्सा आता तेरी वीडियो देख के। सो गाइस बाय, आज कहीं तक ही पहले दिन ही डांट खा ली मैंने। सो गाइस वर्कआउट हो चुका है, और आज तो फुल रिमांड लिया गया मेरा, क्योंकि वीडियो के चक्कर में वर्कआउट कर नहीं रहा था मैं, और उसी पे ध्यान रहता था, तो आज सही
बैक टू बैक लगे हैं, तो अब बैठ के सोचेंगे कि कंबाइंड क्यों हो रही है दोनों चीज़, तो अलग अलग करते हैं सोशल मीडिया और जो करियर है और बॉडी बिल्डिंग को, क्योंकि दोनों मिक्स हो रही हैं। तो इसलिए तो गुरुजी यही कह रहे थे कि बाद में भी यही कह रहे थे कि YouTube वीडियो बना बना, लेकिन अपने वर्कआउट के टाइम पे अपना वर्कआउट कर, उस टाइम पे वीडियो मत बना। तो उस टाइम पे माइंड फ्रीज पे रहता है ब्लॉग ब्लॉग पे YouTube पे ही। सो वर्कआउट करेंगे जब वीडियो नहीं बनाएंगे रियल वर्कआउट वाले में, वैसे देखते हैं। और वीडियो भी अब मैं सोच रहा हूँ जैसे हर दूसरे दिन आ रही थी, अब एक हफ्ते में एक कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब कंपटीशन आने वाला है तो सीरियस हो जाऊँ मैं थोड़ा, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है। वीडियो तो फिर भी आती रहेंगी, एक हफ्ते में एक बहुत है। सो वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं, और अभी घर जाता हूँ, टाइट वाइट लेता हूँ, बीच बीच में डोज मिलते रहते हैं, सिर्फ तुम फोकस रहते हो। चलो फिर टेक केयर, बाय, लव यू, मैं जाता हूँ। अब फोकस करते हैं गेम के लिए, बहुत हो गया लॉकडाउन और एवरीथिंग, अब जिम भी खुल गए हैं, तो निकालते हैं कोई हल की अलग अलग करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं कंबाइंड कर रहा हूँ सोशल मीडिया और रियल लाइफ को, तो थोड़ा अलग करता हूँ।